हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक जिसमें आपको दिया गया था होमवर्क में, एक पाल वंश और साथ ही साथ सेन वंश थे, और केमिस्ट्री से एक और टॉपिक था जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हैलोजन्स। तो इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर आपने होमवर्क कम्प्लीट किया है ध्यान से सुनिएगा और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाल वंश में, पहला क्वेश्चन, पाल वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? गोपाल। गोपाल किस धर्म के अनुयायी थे? गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और अब बताइए पाल वंश ने अपनी राजधानी, यानी कि जो गोपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? पाल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? मुंगेर। मुंगेर बिल्कुल सही है, ठीक है, मुंगेर। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। गोपाल ने, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल। धर्मपाल सोम कहाँ पर है और वर्तमान में कहाँ पर? बांग्लादेश। वर्तमान में बांग्लादेश में। धर्मपाल का शासनकाल कब से कब तक था? 770 से 810 ईस्वी तक। 770 से 810 ईस्वी तक। धर्मपाल गोपाल का पुत्र था, ठीक है। ये बताइएगा कि कनौज के किस शासक को परास्त कर चक्रायुद्ध को अपने संरक्षण में कनौज की गद्दी पर बैठाया था? धर्मपाल ने कनौज के किस शासक को परास्त कर चक्रायुद्ध, वहाँ पर एक और जो शासक था चक्रायुद्ध को अपने संरक्षण में वहाँ पर गद्दी पर बैठाया था कनौज के, इंद्रायुद्ध को परास्त कर, इंद्रायुद्ध को परास्त कर चक्रायुद्ध को अपने संरक्षण में वहाँ का राजा बनाया था। कहाँ का? कनौज का। अब ये बताइए कि गुजराती कवि शेड्यूल ने धर्मपाल को कौन सी उपाधि दी थी? धर्मपाल को दक्षिण पथ स्वामी, दक्षिण उत्तरापथ स्वामी, उत्तरापथ स्वामी, उत्तरापथ स्वामी, उत्तरापथ स्वामी। एक चीज ध्यान रहेगा, उत्तरापथ स्वामी। पूछा जा सकता है कि कहाँ के कवि थे? तो गुजराती कवि थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किनके किनके बीच? प्रतिपारा तो ट्रिक है ना, तो बताइए कौन है? पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था, किसके लिए? कनौज के लिए, ठीक है। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? धर्मपाल। धर्मपाल। और ये बताइए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कहाँ पर कराई थी? यहाँ पे वर्तमान में कहाँ पे है? भागलपुर। भागलपुर, भागलपुर। परम सौगात किसे कहा जाता था? धर्मपाल को। परम सौगात धर्मपाल को कहा जाता था। सभी क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि संडे को जो टेस्ट होता है तो आपका एक सप्ताह में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस दिया जाता है, तो अच्छे से सभी क्वेश्चंस को सुनिए। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र जो थे वो किसके राज्यसभा में निवास करते थे? हरिभद्र प्रसिद्ध बौद्ध लेखक थे, धर्मपाल के राज्यसभा में वो निवास करते थे, हरिभद्र जो कि प्रसिद्ध बौद्ध लेखक थे। अच्छा पूछा जाए कि धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सिंपल सी भाषा में बस ये याद रखें कि पाल शासक सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ये पूछा है कि बौद्ध में कौन से धर्म, यानी बौद्ध की जो शाखा थी, तो महायान शाखा से, महायान शाखा, महायान और एक तांत्रिक करके था, वो दोनों थे। उसके बाद आते हैं देवपाल जो कि 810 से 850 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने, अपने इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली इनको शासक माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया? देवपाल कराया था, और जबकि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने। तो ये दोनों कन्फ्यूज कर सकता है, बौद्ध मठ देवपाल जबकि विश्वविद्यालय उदंतपुरी का गोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किस शासकों के समय में हुआ था? पाल शासकों के समय में हुआ था गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या। पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने पाल वंश की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करके अपनी योग्यता प्रमाणित की थी। किस पाल शासक के समय में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया था? महिपाल प्रथम के शासनकाल में राजेंद्र चोल ने जो कि आक्रमण किया था, किसे हराया था? महिपाल को। राजेंद्र चोल ने। महिपाल ने किस बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचार मंडल भेजा था?
ये सब क्वेश्चन लूसेंट में नहीं दिया गया, तो अगर आप लूसेंट पढ़े होंगे तो यहाँ से नहीं मिलेगा थोड़ा सा। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि रेगुलर आप ध्यान से वीडियो को सुनिए, लेकिन आप लोगों को लगता है कि सारा क्वेश्चन लूसेंट में है, नोट्स मिल जाएगा वहाँ से लिख लेंगे याद हो जाएगा। देखिए, महीपाल ने किस बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक मंडल भेजा था? अतीस नाम के बौद्ध भिक्षु थे, ध्यान रखिएगा। पाल साम्राज्य को रुहमा किसने कहा था? सुलेमान, अरबी व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर पुकारा था। दयाभाग के रचयिता जिमूतवाहन को किसका संरक्षण प्राप्त था? पाल शासकों का, तो मतलब महीपाल में, ठीक थे, तो ये ध्यान रहेगा। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि दयाभाग के रचयिता कौन थे? जिमूतवाहन। कई बार पूछा भी गया है ऑलरेडी। अब आते हैं हम लोग सेन वंश पे, तो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिख लिया। राजधानी कहाँ पे थी? नदिया या फिर लखनऊ थी, ठीक है, नदिया लखनऊ थी। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन, जो कि किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का। सेन वंश शैव धर्म का। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बल्लाल सेन, ठीक है, बल्लाल सेन। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कुलीन प्रथा या फिर कुलीनतावाद किसने आरंभ किया था? तो बल्लाल सेन ने ही स्टार्ट किया था। ये लूसेंट में नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों और कायस्थों का लूसेंट मतलब दिया था कि अद्भुत सागर को खत्म किया था लक्ष्मण, शुरू किया था ये बल्लाल। लक्ष्मण सेन भी एक शासक थे, उनके दरबार में एक प्रसिद्ध जो कौन थे? जयदेव। जयदेव उनकी रचना क्या थी? गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। और इनके समय में एक और थे, पवन दूत के लेखक धोई। पवन दूत वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने नहीं लिखा। एक और थे हलायुद्ध। लक्ष्मण सेन के दरबार में ये रहते थे। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है ऐसे करके कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके समय में रहते थे या किसके दरबार में? तो लक्ष्मण सेन। किस वंश के शासक थे? सेन वंश के शासक थे। शिव का विशाल मंदिर प्रधुनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित का निर्माण किसने करा था? विजय सेन, जो किसेन वंश का सबसे प्रथम स्वतंत्र शासक था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक होने का गौरव किसे प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को, ठीक है, लक्ष्मण सेन को। अगला प्रश्न है कि पाल युग को बंगाली इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पाल युग को बंगाली इतिहास में किस नाम से? स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि पाल साम्राज्य के दौरान भारत में शिक्षा के दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा और विक्रमशिला। विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था कब? 1193 या ऐसे भी याद रहेगा कि 12वीं शताब्दी में, पेपर में दोनों दिख जाता है। और पूछा है कि विक्रमशिला कहाँ स्थित है? भागलपुर में। कहाँ? पत्थरघाट। अच्छा, एक प्रश्न और याद रखिएगा कि बंगाली भाषा का विकास जो हुआ था किसके समय में हुआ था? पाल वंशियों के शासन में ही हुआ था बंगाली भाषा का विकास। चलिए, ये हो गया। अब साइंस पे आते हैं, जिसमें आपको हैलोजन्स दिया गया था, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हैलोजन्स किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? ब्लॉक पूछ रहे हैं, पी ब्लॉक के अंतर्गत। 13 से लेकर 18 तक जो भी आते हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आप वहां पे देख सकते हैं। और हैलोजन आता किसमें? 17 में। तो 17 में आपका इसमें आया पी ब्लॉक के अंतर्गत। तो डायरेक्ट ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि हैलोजन किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? वर्ग 17 या फिर हम इसको कहेंगे 7 के अंतर्गत हैलोजन तत्व को रखा जाता है। हैलोजन तत्व का प्रथम सदस्य कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे पहला प्रथम सदस्य फ्लोरीन और अंतिम सदस्य स्टैटिन। एक रेडियो धर्मी है, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है, तो ज़्यादातर इसको हम इसमें नहीं रखते हैं, बाकी इसी के चार सदस्यों को देखा जाता है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, क्रियाशीलता का क्रम मतलब कि अगर ऊपर से नीचे तक हम जाते हैं तो बढ़ता है घटता है, इस तरह से पूछा जा रहा है। तो घटता है। फ्लोरीन से आयोडीन तक जाएंगे तो वहाँ पर घटता है। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न ये है कि हैलोजन जो है वो हैलोजन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ग्रीक शब्द के किस शब्द से? हैलेस, जिसका अर्थ होता है रंगीन। हैलेस रंगीन। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होता है, एक वो छूट जाता है। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होता है। और सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता किस
तत्व की है, फ्लोरीन की, तो उनका जो क्रम होगा किस तरह से, सबसे अधिक आपका फ्लोरीन, उसके बाद घटता जाएगा, जैसे नीचे जाएगा घटता जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आपको पेपर में अक्सर देखने को मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, सबसे कम किसका होगा, आयोडीन का, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटता है। फ्रियोन क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, जिसका प्रयोग किस रूप में करते हैं, प्रसिद्धक के रूप में, और एक और एरोसॉल के रूप में, ठीक है। स्टैटिन क्या है, या फिर डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा कि हैलोजन का कौन सा तत्व है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो आपका स्टैटिन। तो स्टैटिन का जो एटॉमिक नंबर कितना, 85 होता है। और एक प्रश्न ये कि नॉन स्टिकी बर्तन का ऊपरी परत किसका बना होता है, टेफ्लॉन का, ये थोड़ा सा अलग से लिखा गया, टेफ्लॉन। अब देखिए उपलब्धता की बात करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन हम डायरेक्ट बताते हैं, हो सकता है कि ये आपका कथन टाइप में पूछा जाए। हैलोजन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, हैलोजन जो होते हैं मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, यह अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न लवणों के रूप में उपस्थित होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कथन के रूप में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की, और सबसे कम आयोडीन, लास्ट वाला जो है, मतलब कि आयोडीन या स्टैटिन जो भी हो, तो इस तरह से याद रखिएगा। यानी कि क्रियाशीलता हो या फिर विद्युत ऋणात्मकता हो, ऊपर से नीचे जाने पर घटता जाता है, या फिर हम अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। फ्लोरीन अपने सभी यौगिकों में कितना ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है, फ्लोरीन -1, बाकी सब +2, +3, +5 इस तरह दिखाते हैं, लेकिन फ्लोरीन हमेशा अपना -1 दिखाता है। हैलोजन के भौतिक गुण, जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होता है, इनका स्टेट क्या है, मतलब गैस फॉर्म, गैसी होता है। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। ये भी पूछा जा सकता है कि हैलोजन्स में एक धातु बताइए जो लिक्विड फॉर्म में हो, तो आप कहिए ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। और आयोडीन क्या है, सॉलिड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। चलिए आगे है कि परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होंगे, गलनांक और क्वथनांक वृद्धि होता है, वृद्धि होता है, ठीक है, बढ़ता है। आगे देखिए हैलोजन की परमाणु त्रिज्याएं फ्लोरीन से आयोडीन तक क्या होती है, बढ़ती है, नीचे से बढ़ते जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैलोजन में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन है सबसे अधिक ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का गुण क्रम पूछे तो भी आपका वही क्रम होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही होता है क्रम, उसको भी याद रखिएगा। क्रियाशीलता का क्रम भी वही था। चलिए आगे है लिक्विड रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, या समुद्र जल से किस ब्रोमाइड के रूप में निकलता है, किस ब्रोमाइड के रूप में, यानी कि कौन कौन से ब्रोमाइड, मिथाइल नहीं होता है, सोडियम ब्रोमाइड होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, और आपका एक होता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तीन चीज़ों के ब्रोमाइड के रूप में निकाला जाता है। अच्छा तीन चार आयोडीन क्या होता है, टिंचर आयोडीन, आयोडीन का एल्कोहलिक जो विलयन होगा, आयोडीन के साथ एल्कोहलिक विलयन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। तो टिंचर आयोडीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है, किस लिए किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक, हाँ आयोडीन टेस्ट होता है, होता है बिल्कुल, हाँ। चलिए ये हो गया तो हमारा साइंस, यहाँ पे आपका हैलोजन्स खत्म। हैलोजन्स अगर आप इतना याद रखते हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो डायरेक्ट एक प्रश्न हमेशा याद रखेगा कि अगर पूछ ले फ्लोरीन किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, पी ब्लॉक के अंतर्गत, क्योंकि हैलोजन्स पी ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए साइंस हो गया, स्टेबल HF और HCl, मतलब हर तरह से F जो कि अपने आप में टॉप पे रह रहा है ना, F को हमेशा टॉप पे रखना है, इसको शीशा वगैरह पे लिखने का भी काम है। तो करंट अपना पढ़ क्या है ना, कहाँ से कहाँ था कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022। चलिए अब हमारा जनवरी स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता था, भारत ने जीता था, किसको, श्रीलंका को, आठवीं बार, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है कि किसे हराकर, श्रीलंका को हराकर के भारत ने जीता था।
64वां स्थापना दिवस किसने मनाया? 1 जनवरी को। स्थापना कब हुआ था? 58 को। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? साउथ कोरिया। ठीक है, 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है दक्षिण कोरिया। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप बताइएगा वहाँ पे लाइन से चला जा सके। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के सवाराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आप बताइए, 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? केरला। बिल्कुल सही, केरला। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है? हिंदी के लिए। और अंग्रेजी के लिए? अनामिका है, नामिता गोखले था ना। अच्छा, अनामिका को हिंदी इसमें मिला था, बिहार में मिला था उनको ना। ठीक है, ठीक है, नामिता गोखले। दया है दया प्रकाश, तो हिंदी पे दया कीजिए, हिंदी को आगे और इंग्लिश नामिका किसको? हिंदी वाला ना, हिंदी वाला। और इंग्लिश वाला क्या था? नामिता गोखले। इंग्लिश वाला बुक का इनका नाम क्या था? थिंग्स टू लिव बिहाइंड। चलिए अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर से। LNG सुविधा भी स्टार्ट किया गया था नागपुर से ही, और महाराष्ट्र ने बोला है कि एक राजीव गांधी के नाम पर क्या है एक अवार्ड स्टार्ट किया था, कुछ करके अवार्ड स्टार्ट किया था राजीव गांधी के नाम पर स्टार्ट किया है आईटी सेक्टर में देने के लिए। नेक्स्ट ने की किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? इसराइल में। चलिए नेक्स्ट ने की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? 126 और सबसे ज्यादा किस स्टेट में? तो टाइगर स्टेट में ही, मध्य प्रदेश में करीब 44 डेथ हुआ था। अगला प्रश्न कि कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन है कि किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। अगला प्रश्न आप बताइए कि किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? बेटर हेल्थ स्मोक फ्री यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगला बताइए किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार। अनुग्रह नारायण सिंह। केसरी होते हैं जो पहले CM बनते हैं उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने COVID-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने COVID-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज फ्रांस में की गई है। अगला बताइए प्रवीण, इस साल शिखर सम्मेलन यानी कि 4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए G7 की अध्यक्षता संभाली है किसने? जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न, की स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? अशोक कुमार। सबसे अधिक ODF गांवों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तेलंगाना। अगला प्रश्न, लुसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? ठीक है, लद्दाख। फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? जीशान ए लतीफ। इसको याद कैसे रखेंगे? राम जी का शान रहता है हमेशा इंडिया में, तो इस तरह से शान याद रखें, जीशान ए लतीफ। अगला प्रश्न है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए पहले स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है, इसका नाम क्या है? ओमिश्योर।
नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया जा चुका है? उड़ीसा। नेक्स्ट वन बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नए टर्मिनल के उद्घाटन किया है? वीर विक्रम त्रिपुरा। ठीक है। कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट में 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर कितना रिकॉर्ड बनाया किस देश ने? चाइना। ठीक है, चाइना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिम्प्लीफाई, पूछा जा सकता है कि सिम्प्लीफाई किसका साइबर सुरक्षा स्टार्टअप था, तो इजरायल का था, इसका अधिग्रहण किया है गूगल ने। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? किस देश ने? कल पूछे थे हम उन व्यक्ति का नाम था, अनिल प्रकाश जोशी। और ये डेनमार्क है, देश में आपका डेनमार्क हो जाता है। अगला प्रश्न है कि 6 जनवरी 2022 को ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाले 102वां देश कौन सा बना है? एंटीगुआ और बारबुडा है, और 101वां कौन सा था? अमेरिका था, गुरुग्राम। गुरुग्राम में हाल ही में क्या कौन सा ATM खुला था? ग्रीन एटीएम। अजय माथुर। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद को क्या दिया गया था? ट्री सिटी। ठीक है, ट्री सिटी। आपकी बात दोनों को मिला, हैदराबाद महाराष्ट्र दोनों था। नेक्स्ट वन है कि 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत के एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बन गया? हैदराबाद इंटरनेशनल। चेन्नई। अगला प्रश्न कि भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? आप लोग उत्तर प्रदेश। ठीक है, जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की थी? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? MP। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहा जो कि एक निरामय परियोजना को शुरू किया है, किस राज्य में? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहां पर निरामय परियोजना की शुरुआत की है, किस राज्य में? असम में। नेक्स्ट वन, 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 10 जनवरी 2022 यानी कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को ना, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय? 14 सितंबर। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश। डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहां पाया गया था? साइप्रस में। और IHU कहां था? फ्रांस में। नेक्स्ट वन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, किस तारीख को? 26 दिसंबर। ये कौन सा लॉजिक था? चलिए जो भी हो याद होना चाहिए। 26 दिसंबर। नेक्स्ट वन है कि लोसांग महोत्सव, लोसांग महोत्सव सिक्किम और लोसार महोत्सव लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार था? अभी झील है वो। अगला, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया गुजरात में ना? केवड़िया। नेक्स्ट वन है कि रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? मिशन अमानत। तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि RPF के द्वारा चलाया जा रहा मिशन अमानत का संबंध किससे है?
खोए हुए सामान का पता लगाएगा। तीन ध्वनि अमानत है, छूटे हुए सामान के लिए आहट है, मानव तस्करी को रोकने के लिए बिल्कुल एक है ऑपरेशन उपलब्ध, टिकट के कालाबाजारी को रोकने के लिए। तीनों याद रखना। आहट है ऑपरेशन स्माइल था ना बच्चों, तो नॉर्मल वो तो दूसरा चीज था, रेलवे का नहीं था वो। नेक्स्ट होने की जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? कोच्ची। ठीक है, कोच्ची नाव चला गया, मेट्रो नहीं है मेट्रो। इसलिए अब अपना साइकिल का नाम रख दीजिए हमें बोलेरो सीधे। चलिए अगला है, 12वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हर साल ही मल्होत्रा हर साल मनाया जाता है ना अम्बेडकर जयंती। चलिए अगला, किस बैंक ने MSME के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया? फेडरल बैंक। क्रिस मॉरिस किस देश के क्रिकेट प्लेयर हैं? संन्यास तो नहीं घोषणा किए हैं। क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ निधन हो गया है? किसका है? एमपी। गुलाबो। देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि किस देश के पोस्को ने, यानी कि पोस्को कंपनी है, किस राज्य बता ही दिए हैं, चलिए गुजरात में बता रहे कि किस देश के पोस्को ने गुजरात में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया? दक्षिण कोरिया के पोस्को। नेक्स्ट वन है कि अपनी पहली सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? किस देश का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन चुका है? केरला। अगला प्रश्न है कि नई नर्सरी नीति को मंजूरी दी है किसने? नर्सिंग हरियाणा। अच्छा, नर्स दिवस 12 मई। ठीक है, कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है? मणिपुर। याद कैसे रखना है? अभी हाल ही में जो लेमन था किस भाव से बिक रहा था? मड़ी के भाव से। लेमन मड़ी के भाव से बिक रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ भी याद रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? रशिया। और इससे पहले पिछले साल काफी चर्चा में रह रहा था जिरकॉन रूस में। किंजल था, जिरकॉन किंजल सब सुपरसोनिक उसी। अच्छा, एक और हाल ही में था कि माई फ्लावर करके था, मे फ्लावर क्या था? मतलब स्वचालित अच्छी रही था, ड्राइवरलेस था, ऑटोमेटिक था, समुद्र के कचरा से साफ करने के लिए साथ था। रसिया का नहीं था, मतलब ये नाम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए घोषणा की है किस देश ने? फिलीपींस। अच्छा, राय करके कल कुछ पूछे थे ना, राय जो था फिलीपींस में ही था। अब मिलेगा भी नहीं जल्द, वही था राय कुछ करके था। चलिए नेक्स्ट वन है, लास्ट क्वेश्चंस। 15 जनवरी 2022 को कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? माया एंजेलू। बस याद रखिए कि माया मतलब मिरेकल कर दी, माया कर दी उन श्वेत, मतलब अश्वेत होकर भी उन मतलब अमेरिकी सिक्के पर। मतलब दो क्वेश्चन है, एक वही है जो सिक्का पे आई है माया एंजेलू, एक है जो ब्लैक है वो जज बनी है। अच्छा, तो उसका नाम है केंताजी ब्राउन जैक्सन। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट होमवर्क आपको टेलीग्राम पर दीजिएगा कल के लिए क्या रहने वाला है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हैव अ गुड डे।